हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्टोरी टाइम में मैंने आपको पहले बहुत सी स्टोरी सुनाई है, आज हम एक नई स्टोरी का मजा लेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी करना। हमारी इस स्टोरी का नाम है समझदार टोपी बेचने वाला। एक बार एक टोपी बेचने वाला टोपियां लेकर बेचने जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी। वो एक पेड़ के नीचे आया। वहां उसको ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगने लगी तो वो उस पेड़ के पास बैठ गया। और जैसे ही वो बैठा तो उसे नींद आ गई। उसको जब सोता हुआ देखकर उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे, वो सब नीचे उतर के आ गए। उन बंदरों ने जब एक थैला भरा हुआ उस आदमी के पास रखा देखा तो वो उसको खोलने लगे और उसके अंदर टोपियां देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक एक टोपी अपने सिर पर ओढ़ ली और वो चिल्लाने लगे, खुश होने लगे और इधर उधर डांस करने लगे। उसकी इसी आवाज़ को सुनकर टोपी बेचने वाले की नींद खुल गई। जब उसने अपनी सारी टोपियों को गायब पाया और उन बंदरों के सिर पर लगा हुआ देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि अब मेरी ये सारी टोपियां मैं इनसे कैसे वापस लूँगा। तब उसे एक तरकीब सूझी। उसने जो अपने सिर पर टोपी पहन रखी थी उसे जोर से पकड़कर नीचे फेंक दिया। आपको पता है बंदर तो नकलची होते हैं, तो बंदरों ने भी अपने सिर पर जो टोपियां पहन रखी थी उसको नीचे फेंक दिया। इस तरह उस टोपी बेचने वाले ने समझदारी से सारी टोपियों को अपने पास वापस ले लिया। फिर उसने सारी टोपियों को इकट्ठा करके वापस अपने बैग में डाला और सारी टोपियों को लेकर अपने रास्ते चल दिया। इस तरह जब भी कोई भी मुश्किल समय आए तो हमें समझदारी व सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। थैंक यू।